क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा की खामियों का पूरा फायदा चोर उठा रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही में पुलिस हर बार सांप जाने के बाद लाठी पीटने की कहावत को चरितार्थ कर रही है। बीते 9 अक्टूबर को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धापे वाड़ा में 5 से 6 लाख की चोरी की घटना अभी ठंडी पड़ी ही नहीं थी कि 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि नगरीय क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड क्रमांक 11 में निवासरत रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी धुरपति हुमनेकर के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने नगद रुपये सहित लाखों रुपये के जेवरातों की चोरी कर ली। घटना का पता सुबह उठने पर महिला को चला और इसके बाद उसने इसकी सूचना नीचे निवासरत बेटे सतीश हुमनेकर को दी। घटना की जानकारी के बाद कोतवाली थाने से पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित महिला से चोरी किए गए नगद रुपये और जेवरात की जानकारी हासिल की। पुत्र सतीश हुमनेकर की माने तो मां प्रथम तल में बने कमरे में निवास करती हैं, जबकि वह नीचे रहते हैं। सुबह मां ने बताया कि कमरे में रखी अलमारी से चोर गहने और नगद रुपए चुरा कर ले गए हैं। हालांकि मां रात में 3-4 बार उठती है, लेकिन वह रात्रि में नहीं उठी थी और सुबह पता चला कि कमरे में रखी अलमारी से चोर नगद रुपए और जेवरात की चोरी कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार कमरे में रखी अलमारी से 5,000 नगद रुपए सहित 1 तोले का सोने का हार, 3 तोले के 2 जोड़ी कंगन, 4 सोने की अंगूठी, 10-10 ग्राम के सोने चांदी के सिक्के ले गए हैं। साथ ही में एक अनुमान के अनुसार लगभग 4 लाख रुपए की चोरी का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले में पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी तफ्तीश ले रही है। साथ ही में अब देखना होगा कि बढ़ती चोरियों की घटना में पुलिस सुरक्षा पर उठ रहे सवाल और लगातार चोरों से मिल रही चुनौती को पुलिस किस तरह लेती है। मेरा नाम सतीश कुमार हुमनेकर, वार्ड नंबर 11 बूढ़ी। मैं बालाघाट इंग्लिश स्कूल में टीचर हूँ। वो माँ नीचे आई और बताई कि चोरी हो गया और करीब करीब 4 बजे। तो फिर मैं जब ऊपर जाके देखा तो सारा खुली हुई थी। कितना सामान गया, क्या क्या गया? सामान में करीब करीब हार है सोने का, वो गया है, अंगूठियाँ हैं, कंगन है, मतलब कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का जेवर वगैरह मिला के, और कैश 5-6 हज़ार रुपये माता जी के पास में था, वो गया था। अच्छा, माता जी यहाँ ऊपर अकेली रहती है? हाँ, अकेली रहती हैं। तो जब चोरी तो वो कहाँ थी? यहीं सो चोरी थी तो वो सोई छुई थी और वो उनको आभास ही नहीं हुआ कि क्या, क्योंकि दो दिन रात में 2-3 बार उठती हैं वो, तो उठी ही नहीं वो, और उनको आभास ही नहीं हुआ कि ऐसा क्या, और एकदम जो सोई तो उठी ही नहीं। क्या नाम है? माता जी का द्रौपदी हमने का उनकी करीब करीब 75-76 साल करीब होगी। क्या लगता है बोलो, लड़के भी रहते थे? अब ये तो उनको पूछताछ से ही पता लगेगा, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज से ऐसा लगता था कि वो पढ़ती लिखती नहीं थी, घूमती लिखती थी। मुझे तो करीब करीब 1-1.5 महीने से रहते थे। वो 3 लड़के कहाँ बताए? तो कटंगी साइड की थी, वो बताया कि मेशराम करके सरनेम थी। कब खाली करी उनने? दिन में खाली करी 3 बजे और रात में घटना। क्या नाम है आपका? सतीश हुमनेकर। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।